हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगी कल के वीडियो का। आप सब लोगों को इतना पसंद ही नहीं आया, बल्कि आप सब में से काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया, अपने प्रेशियस कमेंट्स लिखे, अपनी जो फीलिंग्स की आपकी लाइफ में इस चैनल के साथ, इनर वर्क के साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या ग्रोथ हुई, यूनियन हुए एक्सेट्रा। और सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही नहीं, मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा पे, मेल्स पे भर भर के कमेंट्स आप लोगों के मिल रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कुछ मैं अपलोड करूँ, बहुत सारे तो मैं अपलोड नहीं कर सकती, अभी भी मुझे कुछ आप लोगों से शेयर करना बाकी रह गया है। उसी वीडियो की तरह यस्टरडे, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल देखिए, बिकॉज अगर जिसने अभी चैनल पे नया नया ट्यून किया है, कुछ ज़्यादा जानते नहीं है इस जर्नी के बारे में, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे चैनल पे ट्यून किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मिसगाइड होने के पहले ही आप उस वीडियो से, कल के जो वीडियो से, इस जर्नी को बहुत ही शॉर्ट में, जस्ट में समझ जाएंगे और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जाएंगे और बिल्कुल जर्नी पूरी करेंगे। आज का जो वीडियो है ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज है 24th, तो डेफिनेटली कल 25th है, ये बताने के लिए मेरा वीडियो नहीं है। कल न्यू मून है, ये भी बताने के लिए मेरा वीडियो नहीं है, क्योंकि न्यू मून तो आता रहता है। मैं हर बार तो वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अब ये तो हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। बट कल का जो न्यू मून है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट शिफ्ट, बहुत ही एक प्रकार से ऑस्पिशियस टाइम, बहुत चीज़ें आपको करना चाहिए और उसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न मैं कल ना बना के आज ही आपको अपडेट कर रही हूँ कि आप आज सुन लो तो कल सारे जो भी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए उसके लिए आप सामान जुटा पाओगे, नहीं तो कल भी देखोगे किसी से छूट गया तो। इसलिए किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो एक दिन पहले ही बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का न्यू मून इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इतने दिन हमारे पितर इस धरती पे आए थे, 15 दिन हमारे साथ रहे, और समझ लीजिए कि प्रकार से कि कल हम उनकी विदाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके पितर लोग आपसे बहुत, आपकी सेवा से खुश होकर वापस लौट जाएंगे, ढेर सारी आशीर्वाद के साथ। सोचिए क्या एनर्जी होगी, राइट? उसके बाद बिल्कुल अगले दिन ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माँ का दिन, माँ आने वाली है घोड़े पे, सॉरी शेरों पे सवार, शेरा वाली आने वाली है। ठीक है, अब वहीं से शुरू होगा हमारे त्योहारों का सिलसिला, सेलिब्रेशन का टाइम, बहुत सारा, बहुत ही ऐसी वाइब्रेशन रहेगी कि जो एनर्जी आप, यू नो, न्यू मून मतलब क्या होता है, हम नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, और इतनी हाई एनर्जी पे जो भी नई स्ट्रेटेजी आप बनाते हो वो होती ही होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस न्यू मून पे बात करना चाहती हूँ। फुल मून अक्सर रिलीजिंग का होता है, हमें चीज़ें रिलीज़ करनी होती है, चीज़ों को लेट गो करना होता है। ठीक है, हमें कल कुछ रिलीज़ नहीं करना है, हमें नई स्ट्रेटेजी बनानी है, नई, न्यू मून, न्यू बिगनिंग, न्यू प्लानिंग्स। ठीक है, और वो आगे बिल्कुल फुलफिल होती है अगर आप जिस एनर्जी में आप कल रहोगे उसी एनर्जी के साथ आपके सारे मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्लानिंग्स बिल्कुल होती हैं और होंगी। ठीक है, तो चलिए बहुत लंबा ना खींच के मैं बात करती हूँ कि कल के दिन जब हमारा न्यू मून का टाइम होगा, हमें ज़्यादातर 6 से 8 के बीच में आप कुछ रिचुअल्स करेंगे। हाँ, उसके पहले कल का दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन है। ठीक है, हमारे पितृ विदा लेते हैं और नवरात्रि आने वाली होती है। पूरे इस 15 दिन में जिनने भी कोई दान दक्षिणा नहीं करी है किसी भी रूप में, आप दान दक्षिणा, कोई सोल पर्पस, डोनेशंस एक्सेट्रा ज़रूर करिए। जो भी आपकी सीमा हो उस सीमा पे के बेस पे आप अपने पितरों के नाम का, अगर आप किसी कारण से छूट गया है, रह गया है, तो कल के दिन कीजिए, आपको उसका प्रताप, उसका पुण्य ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले कल के दिन करना क्या है, कल के दिन से कि आप लोग जानते हो, आप लोग टेलीपैथी सेशन करते हो, मीट योर ट्विन करते हो, कल के दिन मैं आपसे बोलूँगी कोशिश करिए कि किसी भी कलर की कैंडल, कोई स्पेसिफिक इंटेंशंस आपका है, सपोज़ कि वेल्थ और मनी है तो आप ग्रीन कैंडल ले सकते हो, अपने DM को पाना है या कोई अनकंडीशनल लव तो पिंक या रेड, इस प्रकार से स्पेसिफिक इंटेंशंस हैं तो आप कैंडल्स ले सकते हो, कुछ नहीं तो आप वाइट कैंडल ही लीजिए, वाइट कैंडल को बर्न करिए, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा आप उसके बाद एक इंटेंशंस उस कैंडल को देख के, ठीक है, कि आप किस इंटेंशन से या आप आगे अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हो, आप अपने ज़िंदगी से क्या चाहते हो या किस ब्लॉकेज पे आप काम करना चाहते हो, ठीक है, या आपको कहाँ ग्रोथ करनी है, ठीक है, सक्सेस, ग्रोथ, कोई नई अचीवमेंट जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो अपनी, ठीक है, उन चीज़ों को उस कैंडल पे देख के इंटेंशंस देने के बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके 2-3 मिनट, ठीक है, आप साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। कल कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप एड ऑन कर सकते हो मीट योर ट्विन, ठीक है, या टेलीपैथी फॉर योर DM, ठीक है, बट अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल का ये दिन है आपको अपने लिए सेल्फ लव में बेस्ट यूज़ करना है, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि मैं स्पेशली एक दिन पहले ये वीडियो बना रही हूँ। साइलेंट मेडिटेशन करेंगे, कि अगर आप लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन जानते हो, हार्टफुलनेस मेडिटेशन जानते हो, कोई भी मेडिटेशन अगर आप जानते हो स्पेसिफिक आपको आती है तो वो करिए, नहीं तो आप साइलेंट मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करिए, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करिए, कुछ भी इस प्रकार से आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करेंगे, ठीक है। ये मेडिटेशन जब आपकी हो जाएगी, आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसके बाद आप जर्नलिंग ज़रूर करिए, आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं, आप अपने गाइड से क्या चाहते हैं, लेकिन गाइड से जब आप चाहेंगे कि भाई मैं ये डिज़ायर रखती हूँ, मुझे ये आई वांट दिस, तो पहले तो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिए, ग्रैटिट्यूड जो जो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, ठीक है। तो आप जब जर्नलिंग भी करेंगे तो जर्नलिंग में पहले आप अपनी ब्लेसिंग्स को वहाँ लिखेंगे जो आपके पास ऑलरेडी आपके यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने, आपके जो एंजल्स ने आपको ब्लेस किया हुआ है, उन लगभग 5 से 6 चीज़ें, 10 जो भी चीज़ें हैं आप जानते हो आपकी लाइफ में कि अच्छी मुझे जॉब लग गई है, मुझे अच्छा फाइनेंस मुझे मिल रहा है, या मैं यूनियन में हूँ, या मेरा DM मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, वॉट एवर द ब्लेसिंग्स, कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स ब्लेस्ड है, या मेरा पार्टनर, मेरे सोलमेट्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, एक्सेट्रा, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए और जर्नलिंग में लिखिए, और उसके बाद ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद आपको आगे जो आप और उनसे चाहते हैं बहुत ही डिटेल वे में, जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हो या अपने दिल की बात अपने एंजल्स को ध्यान में रख के, यूनिवर्स को ध्यान में रख के आप वो लेटर लिख रहे हो, वो अपनी स्ट्रेटेजी की, मैं ये चाहती हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप 3-4 चीज़ों को ना मिला के आप एक ही स्पेसिफिक चीज़, कोई आपका डिज़ायर्ड लाइक मनी या कोई भी ग्रोथ हो, आपको फॉरेन कंट्री जाने का मन हो, आपको है ना, आपको किसी स्टडी के लिए, कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए, कोशिश करिए कि एक ही कोई चीज़ व्हाटएवर आपके मन में है उसको बहुत ही स्पेसिफाई, बिल्कुल क्लियर कट इंटेंशंस के साथ आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। और अगेन उसको हाँ, आप लोग इसमें क्रिस्टल हीलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर क्रिस्टल्स हैं मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के पास पास होते ही हैं, आप लोग यूज़ करते ही हैं क्रिस्टल्स, है ना, तो आप क्रिस्टल्स को भी साथ में रख के उनको अपने हाथ में लेके अगेन 5 मिनट्स के लिए एक उनको उनकी जो एनर्जी को अपने अंदर आग बन करके फील कर सकते हैं, और फील करिए कि जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं उस क्रिस्टल को हाथ में रख के, सेलेनाइट क्रिस्टल हो गया है, जो भी क्रिस्टल आपके पास है, ठीक है, उसको अपने हाथ में रख के फील करिए, विजुलाइज़ करिए कि सारी चीज़ें जो मैंने एक स्ट्रेटेजी प्लान करी है, जर्नलिंग की है, वो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं, राइट। बस इतना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ वो कैंडल अगर आपकी जल रही है तो उसको बुझाना नहीं है, और बुझ गई है तो कोई चिंता की बात नहीं है,
आप अपना जो आपकी प्रोसेस है उसको चलते रहने दीजिए। एट द एंड मैं इतना ही कहूँगी, जब हम कोई अच्छी चीज़ करते तो हम गलत बातें नहीं करते हैं। पूरे दिन किसी की भी चुगली नहीं करिए, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करिए। और कोई अगर आपको हर्ट करता है या कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर हो जाइए, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। आप जिस वाइब्रेशन में शाम तक रहोगे वही आप आगे मैनिफेस्ट करोगे, वही आपकी रियलिटी होगी, ठीक है। तो यू शुड बी इन अ वेरी हैप्पी मूड जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, राइट। और पॉजिटिविटी होना चाहिए कि हमारे पितृ अब जा रहे हैं और शेरावाली माता आ रही है, सारे त्यौहार सेलिब्रेशन सारी हैप्पीनेस आ रही है, तो यू शुड बी इन अ वेरी हाई वाइब, ठीक है। तो दिन भर हम लोग किसी की कोई भी गॉसिप्स, किसी की बुराई करना इस प्रकार से, बाकी जितना हो सके आप फॉरगिवनेस दीजिए लोगों को, फॉरगिवनेस मांग लीजिए, ठीक है। और दिन भर हो सके तो कोई भी, जैसे मैं जपा जाप बताती हूँ, कोई भी मंत्र का चांत करते रहिए, जिससे कि आप पूरे दिन प्रोटेक्टेड भी रहें और हाई वाइब में रहें और आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।